हाउस बिल्लाह मिनश शैतान रजीम बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। प्रोग्राम साया की एक नई एपिसोड के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद शाहिद इकबाल। मेरे साथ हैं खुर्रम कुरैशी और मियाद खान। आज जिस जगह पर हम मौजूद हैं, इस जगह ने पूरे इलाके को खौफ व हिरास में मुबतला किया हुआ है। अब ये पीछे देख सकते हैं कि ये बिल्कुल सही रोड है, लेकिन फिर भी इस जगह की वजह से इस रोड पर रात के वक्त कोई नहीं गुजरता। जैसे ही शाम होती है यहाँ से कोई नहीं गुजरता, क्योंकि ये जगह ने पूरे इलाके के अंदर इतना खौफ फैलाया हुआ है। इस वजह से हम आज इधर मौजूद हैं। हम इधर चेक करेंगे कि इधर के क्या मामलात हैं जिसकी वजह से यहाँ के लोग इतने डरे हुए हैं, और किसी ने हमसे बात भी नहीं की। सिर्फ हमें एक बंदे ने बुलाया कि आप यहाँ पर आकर चेक करें, और उसने भी इंटरव्यू देने से मना कर दिया कि मैं आपको इंटरव्यू नहीं दे सकता, आप अकेले जाएँ। हमें वो रोड काफ़ी आगे उसने हमें छोड़ दिया और बता दिया कि ये जगह है वो। जी खुर्रम, बिस्मिल्लाह करें। जी जी मियाद, आप रेडी हाँ हो? चले। खुर्रम, आपको याद है कि हमने एक पहले एपिसोड में भी बताया था कि जिस जगह पर गंदगी वगैरह हो, ये जिन्नात की फेवरेट चीज़ है। इधर तो चारों तरफ ही गंदगी के ढेर हैं, तो हम अभी अंदर जाएंगे और देखेंगे क्या मामलात हैं। बिल्कुल, चलें दरवाजा बंद हुआ चलें। है गंदगी से। खुर्रम, ये जिस कदर इधर अंदर झाड़ियाँ हैं ना, मेरे ख्याल से इधर कुछ सांप वगैरह ऐसी चीज़ें भी होंगी लाजमी। ये आप देखें, ये इतनी इतनी बड़ी झाड़ियाँ हैं इसके अंदर, ऐसे लगता है ये काफ़ी सालों से, सदियों से ये बंद है। अच्छा तो खुर्रम, मैं वो बताना चाहूँगा आपको कि काफ़ी व्यूवर्स कमेंट्स में पूछ रहे थे कि मियाद नहीं आए, तो मैं उनको बताना चाहूँगा कि मेरा जो घर का कंस्ट्रक्शन का काम था वो चल रहा था, जिसकी वजह से मैं शूट नहीं कर सका, और मेरी स्टडी का भी ज़रा इशू था। शाहिद, जी मेरे ऊपर कुछ जी कुछ चीज़ें आके गिरी हैं यार। ध्यान से, मैं यही कह रहा हूँ कि इधर कोई ये जानवर। मैं आपको यही कह रहा हूँ कि जिस कदर इधर झाड़ियाँ हैं ना, तो इधर कोई ऐसे जानवर वगैरह, सांप। देखो, यार खुरम, मुझे ऐसे लगा किसी ने इसी तरह झांका है इधर से। शायद ये इत्तेफाक है कि जब भी हम शूट शुरू करते हैं, ये कुत्ते जानवर वगैरह भौंकना शुरू कर देते हैं। तो ये जानवर वगैरह तभी आवाज़ें निकालते हैं जब इनको दूसरी मखलूक, मसलन के जिन्नात वगैरह नज़र आते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने इनको ऐसी ताकत दी हुई है कि जो आम इंसान नहीं दे सकती, ये जानवर उस चीज़ को देख सकते हैं, जिन्नात को ये देख सकते हैं। इस वजह से जब ऐसी कोई इन्हें चीज़ नज़र आती है तो ये भोंगना शुरू हो जाते हैं। तो इधर से अभी यहां से गया नीचे।
इधर से खुरम मुझे ऐसे लगा था कोई खड़ा हुआ है और देख के हमें पीछे हुआ है। अल्लाह अकबर, अरे ये तो कुआं लग रहा है, ये पानी से भरा हुआ है। काला पानी है सारा। खुरम आगे आगे दिखाई दे रहे हैं। ये देखें, ये तो बिल्कुल जैसे कुआं है पूरा। ये हम नीचे नहीं जा सकते क्योंकि ये सारा अंदर पानी है। सीढ़ियां तो हैं लेकिन हम नीचे नहीं जा सकते। ये देखें, खुदम उधर भी ये देखें, आवाजें आ रही हैं। वो बोले बोले क्या है खुदम? शाहिद ने कुछ था ये लेके और लाइट आ गई। लग गया यार, इधर से चलते जाएंगे। ये आवाज यहाँ पे ये देखें, इधर कोई खड़ा हुआ था यार। बिल्कुल इस जगह पर क्यों खड़ा हुआ था? शायद आवाज आ रही किसी की चलने की। ये देखें कैसे कोई इधर चल रहा है। अल्लाह अकबर, ये देखो खुरम इधर से। मैंने पहले ही बोला यहाँ तो कोई था। शायद ये आगे क्या चीज़ है।
यार खुरम, मुझे एक बात समझ नहीं आई कि भाई ने बोला कि जो भी अंदर आज तक गया वो वापस नहीं आया, वो इस जगह से गायब कैसे हो जाता है? ये देखें, आगे क्या चीज़ है? ये कमरा बना हुआ है छोटा सा। देखे इधर कोई खड़ा हुआ था खुरम। आवाज मारी किसी ने? ये देखे इधर कोई खड़ा हुआ था खुरम। आवाज मारी किसी ने? खुरम किसी ने? चुप चुप चुप। कुत्तों के भौंकने के साथ ना रोने की आवाज आई है किसी की। यार बिल्कुल उस जगह पर कोई खड़ा हुआ था यार भाई। अभी जैसे ही एकदम कुत्ते भौंके हैं ना, तो साथ ही जैसे रोने की आवाज नहीं आती, किसी बच्चे के रोने की आवाज आ रही है। ये देखें इधर कोई है। ये देख देखा शायद ये नहीं, वो मेरा बोल नहीं। ये देखे ये देख, अल्लाह अकबर। यार खुरम मुझे इधर बाहर से आवाज आ रही है, उधर से रास्ता है। जाने का रास्ता किधर से है? किधर? ये है खुरम, रास्ता पीछे जाने का। हाँ लेकिन ध्यान से, झाड़ियाँ बहुत है इधर। ध्यान से। कांटे हैं यार ये। ये देखो खुरम फिर आवाज, कोई बच्चे के रोने की आवाज है पीछे वाली साइड से। हाँ बच्चे की आवाज रही। ये बच्चा रो रहा है यार मुसलसल। ये देखें, अल्लाहु अकबर। चलो चलो देखें। यार खुरम वो देख, यार खुरम वो देख। यार खुरम वो देख। मारा खुरम अब शाहिद। यार खुरम उधर से, इधर से रास्ता नहीं है आगे जाने का, सारे अंदर दरख्तों ने। एक मिनट
सारे अंदर दरख्तों ने एक मिनट जैसे कोई दरवाजा बंद होता है खुरम, लेकिन इधर तो कोई दरवाजा ही नहीं है यार। यार खुरम ये देखो, कभी रोने की आवाज है और कभी चीखने की आवाज है। ये देखो ये पकड़े यार, खुरम हम उधर से आते हैं खुरम, हम ऊपर से आते हैं, इधर से गए। चलो इधर करो, बड़ी वाजे आवाज आई है यार इस कमरे से। अच्छा जब हम एंटर हुए थे जैसे ये लड़का और लड़की की आवाज है, बच्चा रोता है और लड़की की रोने की आवाज है, चीखें मार रही, चीखें मार रही। एंटर हो ये देख, एंटर होने जैसे हम एंटर हुए ना, हमें और कोई आवाज़ उस तरीके से नहीं आई। जब मैंने आपको बताया था कि कुत्ते एक साथ ही भौंके थे, है बच्चों की आवाज़, और कुत्ते जब भौंके थे उसके दौरान भी जो एक आवाज़ आई थी वो भी बच्चे की थी, और अभी जब हम आए हैं इस कमरे में तो वाज़े आवाज़ आई है इस कमरे में। कुरम भाई कुछ चाहिए, मैं तुम्हें पहले भी कहा था कुछ चले थे, देखो इस साइड पे जो आप देखें ना अगर, तो ये तो एरिया ऐसा है ही नहीं कि यहाँ जाया जा सके। जी पीछे से हमने देखा है बिल्कुल दरख्तों ने इसको ना कवर किया, कवर किया हुआ है फुल। खुरम तुमने एक चीज नोट नहीं की शायद, मैंने की इधर उधर शाहिद इधर उधर, ये आप ये देखें दोबारा चीख की आवाज आई। हाँ ये देखो शाहिद इधर 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 इधर, ये देख अब इधर कहीं खड़ा हुआ था। अल्लाह अकबर, इधर इधर खड़ा हुआ। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, घबराना नहीं है, मैं आज उधर उधर जाऊँ या शाहिद, शाहिद इधर 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 इधर, अब इधर कहीं खड़ा हुआ था। इधर इधर खड़ा हुआ। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, इस जगह पे एंट्रेंस में कोई नहीं आता, और जिस जगह पे हम मौजूद हैं ये वो एरिया है जहाँ तो नामुमकिन है कि कोई आ जाए, सोच भी ले। और मैं आपको कंफर्म बता रहा हूँ कि इस जगह पे कोई है यार, इधर तो जाने का रास्ते ही नहीं। एक मिनट, यार खुरम मुझे किसी ने उठा के फेंका ऐसे।
यार खुरम, मुझे किसी ने उठा के फेंका ऐसे। मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे यहाँ पे मुसलसल फील हो रहा है कोई खड़ा हुआ है, यहाँ पे कोई है इस जगह पे। यार शायद आप जरा दीवारों पे लगे हाथों के निशान चेक करें। ये देख, ये इधर भी है, ये देखें। ये जैसे ये उंगलियों से लगे हुए हैं, ये उंगलियों से इस तरीके से करके लगे हैं। आपने अभी यहाँ खड़े हुए? हाँ बिल्कुल, तुम्हारे पीछे इधर खड़ा हुआ। ये देखें, आपको उई कोई रो रहा है अंदर यार। ये भारी सी आवाज थी, कोई रो रहा है। हाँ लेकिन अब ये भारी सी आवाज है। ये देखें, यार ये कोई मुसा इधर कुछ चल रहा है शायद। मैंने आपको पहले भी बोला, मैंने दो तीन दफा आवाज सुनी और बिल्कुल पीछे आपके कोई खड़ा हुआ था। शायद इधर कैसे जा सकते हैं यार, बिल्कुल कोई रास्ता है ही नहीं अंदर जाने का। वो ये खुरम, ये देखे फिर मुसलसल अंदर से आवाज़ आ रही है किसी की रोने की, और ये भारी आवाज़ है पहले से। हाँ ये भारी आवाज़ है, पहले बच्चों की आ रही थी रोने की। ये देख यार खुरम, अंदर भी नहीं हम जा सकते। खुरम इनके रोने का मकसद शायद ये कुछ बताना तो नहीं चाहते हम आए हैं। नहीं यार मुझे नहीं तो कोई नहीं ऐसा लग रहा कि ये इनका कोई साइन हो। ये देखो खुरम, फिर आवाज आई है उधर से। पहले एक बच्चा मुसलसल रो रहा था, अभी एक खुरम ध्यान से। खुरम आगे जाने की कोशिश करो जरा, देखो अगर जा सकते तो। यार खुदम आगे कोई रास्ता नजर आ रहा है? रास्ता है, कोशिश करो जाने के आगे। यार ये इतना इतने घने दरख्त हैं, ये बिल्कुल इस जगह को कवर करके रखा हुआ है इन्होंने। ध्यान से
शाम से बच के मैंने शाम देखा था यार। खुदा यार यार इस जगह से बच्चे के ये देखें चटाई बिछी हुई है हैं? ये चटाई बिछी हुई है। ओए यार